ये बिल्कुल शूटिंग हो रही है। नमस्कार दोस्तों, हिना दिखाई चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये नैनीताल ट्रिप का पार्ट टू है और पार्ट वन में मैंने आपको नैनीताल की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग राजभवन के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको लेकर जा रही हूँ नैनीताल के बेस्ट ट्रैक पे, जो है नैनी पीक, जिसे हम चाइना पीक या चीना पीक भी कहते हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि आपको इस ट्रैक को देखकर बहुत मज़ा आएगा। सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। नैना पीक जाने के लिए आप किलबरी या पंगोट का रास्ता ले सकते हैं और लगभग 4 से 5 किलोमीटर की ये ट्रैक है। तो हम पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहां से हम चाइना पीक जाने के लिए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। सो ट्रैक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि ट्रैक स्टार्ट करने से पहले आप नीचे से वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करके लेकर जाएं। बिल्कुल यहाँ पे जहाँ से आप ऊपर जाते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक शॉप है, वहाँ से आप वाटर बॉटल ले सकते हैं या अपनी भी अपनी कैरी कर सकते हैं, पर ज़रूर लेके जाएं, इट इज़ मैंडेटरी। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा था साइन बोर्ड की, जब भी ऊपर जाएँ ग्रुप में ही जाएँ, क्योंकि ये जो रास्ता है ये पूरा जंगल का रास्ता है, तो आप ग्रुप में ही जाएँ तो बेटर रहेगा। सांस फूलने में है बट लोग हैं साथ में, साथ साथ चलते मजा आ रहा है, रास्ते का मजा नहीं है। ये कैमरामैन हमारे पीछे आ रहे हैं। अंदर का व्यू, मुंडा का व्यू। लगभग आधा घंटा सफ़र करने के बाद हमें एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ से नैनीताल का व्यू दिखाई दे रहा था, तो हम पहले सोच रहे थे कि यही चाइना पीक होगा, बट यहाँ से जो है पूरा नैनीताल का व्यू नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम जो है गलत थे। तो हमने यहाँ पे फोटोग्राफी की और ऊपर से कुछ लोग आए थे, उनसे हमने सफ़र के बारे में पूछा कि अभी और कितना टाइम है चाइना पीक पहुँचने के लिए। ये एक घंटा भी जाने में लगेगा। हमें रास्ते में जाते हुए एक आंटी जी मिली, जो जंगल से लकड़ियाँ अपने सर पर बड़े आराम से लेकर जा रही थी, तो मुझे ये देखकर थोड़ा सा स्ट्रेंज भी लगा कि पहाड़ों की लाइफ थोड़ी टफ तो होती ही है, और हम जो है बिना किसी भार के हमें चढ़ना टफ हो रहा था, और उनके लिए ये बहुत ही आम बात होती है। 12:45 सीधा सीधा चलते जाओ, अभी भी ना 45 मिनट्स अराउंड और चलना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा भाई और उनके कुछ दोस्त पहली बार नैनीताल घूमने आए थे, तो उनके लिए ये ट्रैक और पूरा रास्ता एडवेंचरस था। तो बने रहिए वीडियो में हमारी मस्ती भरी ट्रैक को देखने के लिए। बाकी आपकी स्पीड के ऊपर है, आप कितना पैर उठाते हैं और कितने जोश के साथ चलते हैं। हिम्मत नहीं हारना, अच्छा व्यू पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये लीगल में फोटोग्राफी होती हुई मुस्टंडो की, अभी चला अभी दो मुस्टंडे के साथ तीसरा मुस्टंडा आ रहा है। ये सिर्फ थकावट मिटाने का एक जरिया है और कुछ नहीं। फोटो तो जंगल बढ़िया हो गया, फोटो तो एक बहाना है। अभी चौथा भी ठंडा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे ठंडा थका हुआ है। ले हो ले हो ले, नहीं नहीं कोई बात नहीं,
ले आओ जी बाहर से फोटो देखते समय लोग मैं कितने भी और चौथा ने क्या इधर 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 हाँ जय जोश लो चलो बिलो एवरेज रख लो बोतल है बोतल बोतल प्राइस चलो बोलो महाराज जी जी सर हड्डी लोड है बिना भी आ रहा है और ठंड भी लग रही है चलो गाइस काम दोनों होने ही है आवाज नहीं है फोन के ऊपर आप इसे देख सकते हो और आगे जो जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ से जर्नी टू भी कंटिन्यू करेंगे अगली बार वापस चलते हैं और यहीं से स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो भी और जर्नी भी। हाँ और बहुत लोगों का ऐसा हुआ है लोग कि लोगों ने जर्नी करी तो बट आज से वापस आए फिर अगली बार आए से कंप्लीट जाने नहीं करना दिन दिन के टाइम पे जर्नी करना बेस्ट रहता है। हमारा ये पानी भी खत्म हो गया लेकिन अभी डस्टबिन यहाँ है नहीं अवेलेबल और ऊपर होगा अवेलेबल सो ऊपर रहेंगे या फिर नीचे ही रह के जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ जितना पाया बिल्कुल गंदगी नहीं थी और हमारा भी पूरा सहयोग बनना चाहिए इस चीज़ को कायम रखने में। ये सिर्फ क्या है अपनी कान मिटाने का बहाना है और जो लोग ये देख रहे हैं उन्हें क्या करें उन्हें रुक जाओ यार। किलबरी यहाँ से आगे पड़ता है और जाड़ों में यहाँ बर्फ गिरी रहती है। ये नैनीताल से ज्यादा ठंडा इलाका है। और ऐसे लोग तुम्हें ऊपर ले जाएंगे और यही फेंक के आ जाएंगे वापस इंश्योरेंस कंपनी वाले। और बस आई थिंक आने वाला है आज के भाई लोग हमें दिलासा दे रहे हैं कि बस आने वाला है। हम भी इसी उम्मीद से कि आने वाला है चप्पे जा रहे हैं वापसी में पता नहीं लगेगा बिल्कुल भी। हाँ फिर गर्मी लगी फिर ठंडा ठंडा लगेगा बस जो आधा गर्म आया ठंडा वो अच्छा है। विश्वास नहीं हो रहा करना पड़ेगा विश्वास ये शॉर्टकट कितना है जाना चाहिए खड़ी है जा सकते हो चले जाओ हम तो आराम से एक फ्लो में चल रहे हैं तो फिर आराम से यहाँ से जाइए जाओ तो ये रास्ता जा रहा है और ये जा रहा है चढ़ी होगी ना ऐसे हाँ इसको पकड़ो 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 हाँ ठीक है पांडे वाटर छाड़ ली आज वाटर छाड़ दो नीचे की नहीं नहीं ऊपर ले जाओ नहीं मैं पकड़ लेता हूँ वाटर हाँ चलो आराम से कसम से ये मेरे
भाई बीमार है यार। ऊपरली बॉडी मेरी सारी गर्म है, हाथ दोनों ठंडे हुए पड़े हैं। बस इसलिए है क्योंकि इनने ये ऊंचाई पार कर ली है। क्या क्या उम्मीद कर रहे हो आगे? ये बहुत प्यारा व्यू होगा अबव द वर्ल्ड वाला, वो बर्ड लगे इतना फेमस जगह है तो ऑब्वियस कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। यहाँ पे आ जाए आपको अपनी साइड स्टैंड दिखने लगेगी, थोड़ी बहुत जो भी होगी आपको। तो ये हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। हमें जो एक्साइटमेंट थी यहाँ के व्यू देखने की, यहाँ पहुँचने के बाद इट्स टोटली वर्थ। एंड इतनी बार नैनीताल घूमने का मौका मिला बट यहाँ आने की अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिली, सो आज यहाँ आना सक्सेसफुल हो गया। और अगर मैं बात करूँ चाइना पीक की, तो यहाँ के वेस्ट साइड से आपको पूरी हिमालयन रेंज देखने को मिलेगी और यहाँ से आप पूरे नैनीताल का बर्ड्स आई व्यू देख सकते हैं। और ये फ़ोटो लेने के लिए एक बेस्ट प्लेस है। सात पहाड़ियों से घिरा ये प्लेस अपने आप में कुदरत का कमाल है एंड इट सीम्स लाइक जन्नत। हमने यहाँ इस खूबसूरत नज़ारों के साथ लगभग एक घंटा बताया। और अगर आप पहाड़ों में घूमने आ रहे हैं तो इतना ट्रैक तो बनता ही है एंड द व्यू इज़ रियली रियली अमेजिंग। ये नैनी पीक जो है ये लगभग 8,622 फीट पे है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप ये अमेजिंग व्यू देखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप रेनी सीजन में ना आएँ, क्योंकि साफ वेदर में ही आप यहाँ का लुफ्त उठा सकते हैं। यहाँ से पूरा नैनीताल आप एक ही बार में देख लेते हैं। और यहाँ की इतनी ऊंचाई पे खड़े हो कि लिटरली नीचे देखने में डर लग रहा था। एंड अराउंड 45 to 50 मिनट्स हमने यहाँ पे तसल्ली से पूरा जो नेचर को एंजॉय किया, फोटोग्राफी की, और उसके बाद हम चल पड़ते हैं वापसी की तरफ। करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं तो उतरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मज़े मज़े में हवा हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं। और लगभग 50 मिनट के बाद हम पहुँच जाते हैं नीचे रोड पे। एंड हम ऊपर से अपनी वाटर बॉटल कैरी करके लेके आए थे, उसे हमने नीचे आके यहाँ डस्टबिन में फेंका। दिखे हाँ जी, कितना टाइम लगाया आपने टोटल करने में? टोटल मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो और ये ट्रैक देखकर बहुत मज़ा आया होगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि नैनीताल आएँ तो ये ट्रैक ज़रूर करें। एंड एट लास्ट आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक दिस ट्रैक। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जर्नी के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइज एंड टेक केयर।